और पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सांसद विजय हांसदा ने संयुक्त रूप से किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सीमा से सटे क्षेत्र में कनेक्टिविटी दुरुस्त करने के मकसद से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है और इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सड़कों के निर्माण से विकास को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री का सलाह से, उनका निर्देश से हम लोगों ने ग्रामीण सड़क को बेहतर बनाने के लिए और कनेक्टिविटी ब्लॉक या जिला स्तर से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। आज आप देखेंगे ऐसा कोई गांव नहीं है जो ब्लॉक जाने के लिए 20-25 मिनट में हम पहुंच पा रहे हैं। ये सरकार की नई नई सोच में एक सोच है। हम लोगों ने बहुत सारे काम अभी किए हैं। 15 तारीख स्मरण दिवस है, उस पर भी कुछ कल्याणकारी योजना चलाया जाएगा और मेरा एक ही मकसद है कि 80% लोग जो गांव में रहते हैं उसका भी आर्थिक विकास हो, उसकी भी चेहरा भी मुस्कान हो। उसी दिशा में सरकार काम कर रही है और उसी का एक कड़ी है कि कनेक्टिविटी जब रहेगा तो हमारे बाजार भी यही होगा। हमारे सामान को खरीदने के लिए गाड़ी से लेकर और भी कुछ जिले से होकर यहाँ पर आएंगे ताकि हमें अनाज का भी दाम मिले। यही सब चीज़ को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का सलाह